कहानी बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कम से कम 3 से 4 स्टोरी है जो कि आपका जीवन और आपकी सोच दोनों बदल कर रख सकता है, इसलिए से ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, चाहे इंसान कुछ भी कर ले, कितने भी मेहनत कर ले, लेकिन भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है, इसलिए कहते हैं भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। चलिए आज जानते हैं स्टोरी के माध्यम से कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। प्राचीन समय की बात है, किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। उस पंडित का एक दोस्त दूसरे गांव में रहता था और वह जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था। एक दिन पंडित अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का गांव वहां से काफी दूर था। वह ज्ञानी पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी मिला। वह आदमी भी उस पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने भी सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा सा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो महाकाल उस पंडित से बोला कि इस गांव में थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गांव में आग लग गई। वह पंडित अब सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पर कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटती है। अत उस पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो, तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई बुरी घटना जरूर होती है। पंडित की बात सुनकर महाकाल बोला कि मैं यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित ने महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत हो तो यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सोचकर पंडित वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। महाकाल ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता है, हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बहुत बड़ा पछतावा होने लगा। वह पंडित उस महाकाल से पूछता है, अच्छा तुम यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। पंडित यह बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी ने सोचने के बाद यह हल निकाला कि वह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित को मालूम भी नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह पंडित नींद में राजमहल से बाहर निकल गया। पंडित राजा के यहाँ मेहमान था इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे जाने से नहीं रोका। वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली। पंडित की बातों पर राजा को विश्वास नहीं आया। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर पंडित की बातों पर सच की मुहर लगा दी। यह सुनकर उस राजा को अपने दिए दन पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे अभी उसको बदला नहीं जा सकता। राजा ने एक राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर आप पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी।
तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। शिक्षा इस कहानी से हमें मिलती है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है। मनुष्य स्वयं चाहे अथवा ना चाहे, लेकिन समयावधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे जाना ही पड़ता है। कमजोर हो तो चुनौती उठाओ। आज की कहानी महान आचार्य प्रशांत जी से संबंधित है। जैसे पुराने ऋषि मुनि और शिष्यों के बीच प्रश्नोत्तर में संवाद होता था, उसी प्रकार आज के युग में भी आचार्य प्रशांत अपने सभी शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल जमीनी भाषा में देते हैं, जो लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाता है। जानते हैं कैसे आचार्य जी ने एक शिष्य के प्रश्न का उत्तर देकर उसे सही रास्ता दिखाया। आचार्य प्रशांत के प्रेरणादायक विचार, कमजोर हो तो चुनौती उठाओ। आचार्य प्रशांत जी का सत्र प्रारंभ होता है और एक शिष्य माइक लेकर उनसे प्रश्न करता है। आचार्य जी, मैं जीवन के हर क्षेत्र में बहुत कमजोर हूँ। मैं जब भी कोई काम करता हूँ उसे बीच में ही छोड़ देता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अपनी कमजोरी को कैसे हटाऊं। आचार्य प्रशांत, तुम्हें कैसे पता कि तुम कमजोर हो? शिष्य, क्योंकि मुझसे कोई काम नहीं होता, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं कमजोर हूँ। आचार्य प्रशांत, अच्छा, ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने सचमुच जो काम किए थे उसमें अपना 100% दिया था? शिष्य, नहीं आचार्य जी। आचार्य प्रशांत, तो फिर कैसे कह सकते हो कि कमजोर हो, जब पूरी ताकत ही नहीं लगाई? शिष्य आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस उन्हें ध्यान से सुनने लगा। आचार्य जी का जो उत्तर था वह सिर्फ उस शिष्य के लिए नहीं था, हम सभी के लिए था। आचार्य प्रशांत बोले, यही तो समस्या है हम लोगों के जीवन की, कि हम चुनौती भी ऐसी ढूंढते हैं, बिल्कुल छोटी। अगर खुद को मजबूत करना है तो बड़ी चुनौती उठाओ। कमजोर सिर्फ तब तक ही हो जब तक कुछ कर नहीं रहे हो। जब सचमुच तुम्हें कुछ करना होगा तो अपना 100% ही दोगे। आज के युग में कमजोरी सबसे बड़ी सजा है, इसलिए ताकत अर्जित करने के लिए जो कुछ करना पड़े करो। कमजोरी सबसे बड़ा गुनाह होता है। जीवन में कुछ भी हो जाए पर कभी कमजोर मत रह जाना। आचार्य जी फिर बोले, यह दुनिया बस कमजोर लोगों को ढूंढती है ताकि वह उनका शोषण कर सके। क्या तुम लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हो? इसमें तुम लोगों के द्वारा शोषित हो। अगर नहीं तो अपने जीवन में से हर प्रकार की कमजोरी को हटा दो। कमजोरी को हटा दो। कमजोरी को हटाने में दर्द होगा, तकलीफ होगी, पुराने मानसिक धरे टूटेंगे, लेकिन अगर ताकत चाहिए तो उस दर्द को झेल जाना। दर्द भी झेलना है तो ऐसा दर्द झेलो जो कमजोरी को मिटाने के लिए हो। जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत करो। जिंदगी में घुस घुस कर देखो कि कौन कौन सी कमजोरी है और पूरी ऊर्जा के साथ उन कमजोरी को मिटाने में लग जाओ। दिन रात कमजोरी का रोना मत रोना, यहाँ पर तुम्हारे आंसू की कोई कीमत नहीं है। अभी से शुरुआत करो और धीरे धीरे समझोगे कि कमजोरी बस यही है कि हम कुछ नहीं करना चाहते। जैसे ही कुछ करने लगोगे तब समझ आएगा कि ताकत तो पहले से ही भीतर थी। जो चीज है ही उसके लिए क्यों परेशान होते हो? आचार्य जी का उत्तर सुनकर शिष्य को जैसे अपने ही मन में बैठी हुई कमजोरी साफ साफ दिखने लगी और उसे समझ आने लगा कि अगर मुझे अपनी कमजोरी को मिटाना है तो मुझे इतनी बड़ी चुनौती अपने ऊपर लेनी होगी जिसे पूरा करने के लिए दिन रात भी कम पड़ जाए। इस प्रकार शिष्य को आचार्य जी ने उसका उत्तर दे दिया और वह निकल पड़ा अपनी कमजोर जिंदगी में ताकत भरने। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपनी जिंदगी में चुनौतियों को उठाना सीखना होगा, तभी हम एक मजबूत और ताकतवर इंसान बन पाएंगे। आज से ही अपनी पूरी ऊर्जा खुद को मजबूत बनाने में लगा दो। अगर कहानी समझ आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। इस दुनिया में खूबसूरत चीज आजादी होती है। एक आजाद इंसान ही अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है खुद तय कर सकता है, लेकिन हमारी अगर भीतर से यह चाहत है कि हम दूसरों को कैद करना चाहते हैं तो हम कभी आजाद नहीं हो सकते। आज की कहानी इसी विषय पर है, आजादी से प्यार करो। सुधीर एक जिज्ञासु इंसान था और वह अपने जीवन का बड़ी ही बारीकी से निरीक्षण करता था। यूं तो उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, पैसा था, एक पत्नी थी, बच्चे थे,
लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा उसके भीतर निरंतर चलती ही रहती थी। सुधीर आज बहुत खुश था क्योंकि वह आज ओशो का प्रवचन सुनने के लिए जा रहा था। उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव ओशो को सुनकर ही आया था। आज उसके भीतर एक और सवाल उपजा था और वह इस सवाल का जवाब जानने के लिए वहां पहुंचा जहां प्रवचन होने वाला था। एक बहुत बड़ी सभा लगी थी जहां पर बहुत सारे लोग थे और सामने ओशो माइक लिए बैठे थे। लोग ओशो से किसी भी प्रकार का सवाल पूछ सकते थे क्योंकि वहां कोई नैतिक वर्जना नहीं थी कि यह सवाल गलत है या सही। व्यक्ति ईमानदारी से वही सवाल पूछा करते थे जो उनके मन में उठते थे, बिना किसी मिलावट के पूछते थे। सुधीर के हाथ में माइक आया और उसने पूछा, भगवन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे दूसरी स्त्री क्यों अच्छी लगती है? इसका क्या कारण है? कई बार मुझे आत्मग्लानी महसूस होती है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, पर जब मैं ईमानदारी से अपना सामना करता हूँ तब मैं यही पता हूँ कि मुझे कोई और स्त्री अपनी पत्नी के सामने अच्छी लगती है। ओशो बोले, क्योंकि तुमने पत्नी से अपना रिश्ता बना लिया है। जिससे हम अपना रिश्ता बना लेते हैं, हम उसे मानसिक रूप से गुलाम कर देना चाहते हैं। और कोई दूसरी स्त्री इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, वह तुमसे आजाद है। असल में हर व्यक्ति को आजादी से प्यार होता है। सच बताऊं तो तुम्हें वह स्त्री भी अच्छी नहीं लगती। यदि तुम उस स्त्री से आगे चलकर शादी कर लो तो तुम्हें कोई और अन्य स्त्री अच्छी लगने लगेगी। इसका सीधा सा मतलब यही है, जो चीज दू होती है वही हमें खास लगती है, और जब उस खास चीज को हम अपने पास ले आते हैं वह हमारे लिए मामूली हो जाती है। ओशो फिर बोले, ना तुम्हारी पत्नी खास है, ना वह दूसरी स्त्री खास है, ना तुम खुद ही खास हो। कोई भी इधर खास नहीं है, बस सबको यह भ्रम होता है कि दूसरे में ऐसा कुछ रहस्य है जो कि उसे खास बना रहा है। सुधीर बोला, हाँ भगवन आप सत्य ही कहते हो, पर यह सब जानने के बाद भी हमारा भ्रम दूर नहीं होता और हमारा मन हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर झुक जाता है। आशो बोले, जब तुम्हारा मन किसी भी व्यक्ति या चीज की तरफ झुकने लगे तो तुम्हें खुद से यही कहना है कि मुझे किसी से प्यार नहीं है, असल में मुझे आजादी से प्यार है। पर मुझे अंदर से महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे आजादी से प्यार है, और वह इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि आजादी बहुत महंगी है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और जैसे ही उसकी कीमत को चुकाने के बारे में सोचता हूँ, हर बार मेरा अहंकार टूटता है, और अपने अहंकार यानी अपने मैं को बचाने के लिए मैं बार बार यही करता हूँ। बस बार बार खुद को यही समझाते जाओ और एक दिन तुम खुद ही समझ लोगे कि सब कुछ व्यर्थ ही है। लोगे कि सब कुछ व्यर्थ ही है। सुधीर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। असल में आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते, बल्कि हमारे सवालों को गिरा देते हैं, फिर जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ओशो का जवाब सुनकर सुधीर की समझ और विकसित होने लगी, और वह समझने लगा था कि यह सिर्फ हमारे मन के खेल है, इसमें कुछ नहीं रखा है। आजादी का सच्चा मतलब यही है कि अपने उन विचारों को खुद से अलग कर देना जिनके होने या ना होने से हमारी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहानी हमें यह सीखने की कोशिश कर रही है कि हम कुछ पा लेने को आजादी कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आजादी तो उन व्यर्थ चीजों को त्यागने में है जिसे हमने बेवजह ही अपने सर पर बिठा रखा है। इसलिए व्यर्थ के सवालों, चीजों और लोगों को अपने जीवन से बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ आजादी से प्यार है। अगर कहानी समझ आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। आज की कहानी का शीर्षक है, शिकायत करना छोड़ो। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि उसे कोई नया कार्य शुरू करना हो और उस काम करने के लिए जरूरी चीजें भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी वह छोटी छोटी कमियों को खोजता है और शिकायत करता है कि यदि मुझे यह मिल जाता तो यह काम कर लेता। एक शिकायती इंसान को हमेशा हर चीज में कमी दिखाई देती है, लेकिन जो मनुष्य जिम्मेदारी उठाने वाला होता है वह कभी भी शिकायत नहीं करता। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जो कहा उसे वही मिला, इतना मिलने के बाद भी वह उसे नजरअंदाज कर देता है। तो शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी, शिकायत करना छोड़ो। लेकिन मैं इसमें से पानी कैसे निकालूं? व्यक्ति दो कदम और चला तो उसने देखा कुएं के उस तरफ बाल्टी और रस्सी थी। उसने पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और फिर वह सोचने लगा, अरे भगवान यहाँ पर बाल्टी और रस्सी तो है, लेकिन मुझे यहाँ हरियाली लाने के लिए पानी को ले जाने की जरूरत है, और मैं भला इसे ढोकर कैसे ले जा सकता हूँ?
तभी उसने देखा तो उसे एक ऊंट दिखाई दिया। ऊंट को देखते ही वह व्यक्ति डर गया। अरे ये क्या हो रहा है, जो मैं बोले जा रहा हूँ वही मुझे मिलता जा रहा है। क्या सचमुच मुझे ऊंट पर पानी ढोकर ले जाना पड़ेगा? अब क्या मुझे सचमुच इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी? एक व्यक्ति था जो कि व्यापारी था। वह व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। दोनों शहर के बीच एक रेगिस्तान पड़ता था। वह व्यक्ति जीवन की हर समस्या को लेकर बहुत नेगेटिव था। उसे हर चीज में हमेशा कमी ही दिखाई देती थी। वह रेगिस्तान की तरफ जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया और ऊपर देखकर कहने लगा, हे भगवान, तूने मुझे इस मरुस्थल में तो भेज दिया है, लेकिन मेरी हालत पर जरा तरस खाओ, यहाँ पर तो पानी तक नहीं है। आपने क्या जगह बनाई है? अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, मैं यहाँ हरियाली ही हरियाली कर देता। थोड़ी दूर जाने के बाद व्यक्ति को एक कुआं दिखा। कुएं को देखकर वह वहां रुक गया और उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर पानी था। पानी देखते ही वह फिर सोचने लगा, भगवान अपने मुझे कुएं में पानी तो दिया। उसने उस ऊंट को नजरअंदाज किया और ऐसे ही रेगिस्तान में चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया, इसलिए कुछ देर के लिए उसे नींद आ गई और उसने एक सपना देखा। भगवान उसके सपने में आए और कहने लगे, तूने जो मुझसे कहा मैंने तुझे वही दिया, लेकिन फिर भी तू हमेशा नकारात्मक ही सोचता है। ऐसा सुनते ही उस व्यक्ति की नींद खुल गई। वह जल्द से जल्द उस रेगिस्तान से बाहर आना चाहता था। उसने ईश्वर की दी हुई हर चीज को नजरअंदाज किया ताकि वह जिम्मेदारी उठाने से बच सके। हम लोगों की जिंदगी भी कुछ ऐसी होती है। हम हमेशा जीवन से शिकायत करते रहते हैं कि अगर हम अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े होते तो आज हम ऐसे ना होते। अगर हमारी कोई मदद करता है तो आज हम आगे होते। हमारी इन्हीं शिकायतों के चलते ईश्वर हमारी इन्हीं शिकायतों के चलते ईश्वर जो हमें देता है हम उसे नजरअंदाज करते हैं। हमारी शिकायतों के पीछे छुपा हुआ राज यही रहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से डरते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी हमसे ढेर सारी मेहनत मांगती है और हम उस श्रम से बचना चाहते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी लेने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज से ही शिकायत करना छोड़ो, पर जो भी जितना भी हमारे आसपास है उसको पकड़ कर जीवन में आगे बढ़ते जाओ। आपको क्या लगता है कि आप अपने हर काम होश में करते हैं? जाहिर है सभी का यही जवाब होगा कि हाँ, हम अपने हर काम होश में करते हैं। लेकिन होश में आना या जागना बहुत बड़ी घटना होती है। आज हम जानेंगे कि जागृति का क्या मतलब होता है। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी, क्या आप भी सोए हुए हैं? एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वह हमेशा सोचा करता था कि गौतम बुद्ध के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें गौतम बुद्ध बनाती है। अपने इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, बुद्ध, मेरे मन में आपको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। क्या आप मेरे सवालों का उत्तर देंगे? बुद्ध बोले, क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है, लोगों के मन में बैठे सवालों को शांत करना। व्यक्ति बोला, बुद्ध आप इतने महान कैसे हैं? क्या आप भगवान हो? बुद्ध बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। व्यक्ति बोला, फिर क्या आप भगवान के भेजे गए दूत हो जो कि इस दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि हमें ज्ञान दे सके? बुद्ध बोले, नहीं, मैं भगवान का भेजा गया दूत भी नहीं हूँ। व्यक्ति बोला, फिर आपकी का क्या कारण है? आप कैसे अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते? क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है इसका उपयोग करके आप यह सब करते हैं? बुद्ध बोले, नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। व्यक्ति बोला, ना आप भगवान हो, ना आप भगवान के भेजे गए दूत हो, ना आप शक्तिमान हो, तो फिर आप कौन हो? बुद्ध बोले, मैं बस एक अवस्था हूँ, जागृति की अवस्था, मैं जागा हुआ हूँ। व्यक्ति बोला, बुद्ध, जगे हुए तो सभी मनुष्य हैं, मैं भी जगा हुआ हूँ इसलिए आपसे सवाल कर पा रहा हूँ। बुद्ध बोले, जागृति बहुत बड़ी घटना होती है, तुम जगे हुए नहीं हो, तुम साए हुए हो। तुम्हारे प्रश्न पूछने के पीछे यह कारण है कि मैं तुम्हें कुछ रहस्य बता दूं, लेकिन यहाँ कोई रहस्य नहीं है, मैं एक अवस्था हूँ जिसे बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं, और जो इस अवस्था में रहता है वही जागा हुआ होता है।
जो वर्तमान समय में जीता है, जो ठीक इसी क्षण में जीता है, जिसे कल से कोई सरोकार नहीं है, जिसे बीते हुए कल से भी कोई सरोकार नहीं है, जो शून्य मौन है, असल में वही भीतर से जाग सकता है। अगर ये बातें समझ आई तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज। आज की कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध और महाकाश्यप की कहानी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने शिष्यों को मौन का महत्व समझाया और उन्हें मौन का रास्ता दिखाया। बुद्ध को देखकर सभी ने उनको प्रणाम किया। बुद्ध के हाथों में एक कमल का फूल था। वह पेड़ के नीचे अपने स्थान पर बैठ गए और काफी देर तक उस फूल को देखने लगे। उस फूल को देखते देखते ही उन्हें और वक्त गुजर गया। सभी शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर बुद्ध कब बोलेंगे। लेकिन बुद्ध है जो कि बोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहुत देर बाद बुद्ध ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह प्रतिक्रिया उनके शब्द नहीं उनके आंसू थे। उस फूल को देखते देखते ही उनके आंसू गिरने लगे। सभी शिष्य बुद्ध को बड़े गौर से देख रहे थे। एक बार की बात है, सभी शिष्य रोज की तरह शिक्षा लेने के लिए गौतम बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। वह सभी साथ में बैठे थे, केवल एक शिष्य को छोड़कर जिसका नाम था महाकाश्यप। वह हमेशा उन शिष्यों से अलग बैठा करता था और वह किसी से बात भी नहीं करता था। वह हमेशा मौन में रहता था। उसकी अपनी ही एक दुनिया थी। सभी शिष्य उसको देखकर पागल और मूर्ख समझते थे। वे लोग अभी इतने काबिल नहीं बने थे कि उसके मौन को समझ पाए। बुद्ध अभी तक नहीं आए थे। एक शिष्य बोला, आज तो बुद्ध ने आने में काफी देर लगा दी, जरूर उन्हें कोई जरूरी काम आ गया होगा। दूसरा शिष्य बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वरना बुद्ध हमेशा ही वक्त पर आ जाते हैं। काफी देर बाद बुद्ध उन शिष्यों के पास थे। तभी पीछे से महाकाश्यप जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी कि पूरे शांत माहौल में उसकी आवाज और तेज सुनाई दे रही थी। उसके बाद महाकाश्यप ने हंसना बंद कर दिया। बुद्ध ने अपना ध्यान कमल के फूल से हटाया और शिष्यों की तरफ किया। एक शिष्य बोला, बुद्ध हम सभी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप तो इस फूल को ही देखे जा रहे हैं। बुद्ध बोले, यह फूल शांति पवित्रता का सूचक है और मौन में ही इसके गुण दिखते हैं। जब तुम लोग मौन का अर्थ समझ लोगे, तब शब्दों की जरूरत नहीं होगी। शब्दों के माध्यम से जितना ज्ञान दिया जा सकता था, वह मैं तुम लोगों को पहले ही दे चुका हूँ। और जो ज्ञान शब्दों से भी परे होता है, वह मैं मौन के द्वारा महाकाश्यप को दे चुका हूँ। दूसरा शिष्य बोला, बुद्ध पर महाकाश्यप के हंसने का क्या कारण था? बुद्ध बोले, महाकाश्यप को वह मौन समझ आ गया था जो तुम लोगों को नहीं आ रहा था, इसलिए वह तुम लोगों की नादानी पर वह हंसा। तुम लोग हमेशा इसी इंतजार में रहते हो कि बुद्ध हमको कुछ बोले और हमें ज्ञान प्राप्त हो, लेकिन सभी कुछ सुनने के बाद तो व्यक्ति की खुद की ही यात्रा शुरू होती है। तीसरा शिष्य बोला, बुद्ध हम तो कभी महाकाश्यप के मौन को समझ ही नहीं पाए। हम तो उसे एक पागल समझते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमसे अलग बैठने वाले महाकाश्यप को ही असल में ज्ञान मिल चुका है। बुद्ध बोले, तुम लोगों की यह समस्या है कि तुम लोग हमेशा शब्दों में ही अटके रहते हो, लेकिन बहुत सारी चर्चा करने के बाद क्या शेष रहता है? यही शेष रहता है, मौन हो जाओ और साक्षी होकर अपने मन के भीतर यह देखना सीख जाओ कि क्या हो रहा है। बुद्ध की यह बात सुनते ही काफी देर तक सभी शिष्य मौन रहे। सूचनाएं हम तक शब्दों के माध्यम से पहुंचती है। कोई भी मनुष्य बिना सूचनाओं के नहीं रह सकता और यही सूचना विचार बन जाता है। हमारी भी यही समस्या है कि हमें अपने मन में कुछ ना कुछ विचार डालने ही होते हैं, लेकिन इन अत्यधिक विचारों से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विचार सहायक तो होते हैं, लेकिन हमारा उनमें अटक जाना हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। इसलिए खुद को खाली करके हमें उस मौन को महसूस करना होगा जो कि हमारी जिंदगी को हल्का बनाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ इन गौतम बुद्ध और महाकाश्यप की कहानी पसंद आई होगी। और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। आज की कहानी का शीर्षक है संत का ज्ञान आखिर जलन क्यों होती है। हर इंसान के भीतर जलन मौजूद होती है, लेकिन हम हमेशा उसे ढक कर रखते हैं ताकि कोई हमें बुरा ना समझ ले। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली उस जलन को देख लेता है, वही उसका समाधान भी कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी जलन को पहचाना और खुद को सुधारने का निश्चय भी किया। एक महान संत पहाड़ों की कंदराओं में निवास करते थे, इसलिए जिसे भी उनके पास आना पड़ता था, बड़ा कष्ट उठाकर आना पड़ता था। एक बार संत तपस्या कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहाड़ चढ़कर उनके पास आया
वह बहुत खौफ रहा था क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। संत ने आंखें खोली और व्यक्ति को देखकर बोले, लगता है तुम बहुत थक गए हो, यह लो थोड़ा जल पी लो। व्यक्ति ने झट जल को ग्रहण किया और कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गया। जब उसकी थकान उतर गई तब उसने संत को प्रणाम किया। व्यक्ति बोला, बाबा मैं इतना कष्ट सहकर आपके पास इसीलिए आया हूँ ताकि आप मेरी समस्या का निवारण कर सको। संत बोले, सांसारिक मनुष्य की समस्या तो यही होती है, पैसा, परिवार या समाज में प्रतिष्ठा पाना। व्यक्ति बोला, महाराज मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है और समाज में मेरी बहुत प्रतिष्ठा भी है। संत बोले, तो फिर तुम्हें क्या समस्या है? व्यक्ति बोला, बाबा इतना कुछ पाने के बाद भी मुझे लोगों से बहुत ईर्ष्या होती है और यह जलन दिन रात मुझे ही खाई जाती है। यदि मैं किसी के पास अपने से ज्यादा धन देखता हूँ तो मुझे क्रोध आ जाता है। कितना ही खुद को समझता हूँ पर समझ नहीं पाता कि क्यों यह जलन भीतर से नहीं जाती। मुझे हमेशा आत्मग्लानी महसूस होती है क्योंकि मेरे आसपास वालों के भीतर तो बिल्कुल भी जलन नहीं है, तो आखिर मेरे भीतर क्यों? संत बोले, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यह तो मनुष्य की प्रकृति होती है, काम, क्रोध, मोहमाया, ईर्ष्या, इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। हर सांसारिक मनुष्य के भीतर यह सब मौजूद रहता है। अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी जलन पूरी तरह से दिख गई है, वरना लोगों को तो अपने भीतर कोई कमी ही नहीं दिखाई देती। व्यक्ति बोला, बाबा मैं यह जानना चाहता हूँ कि जलन क्या है और यह क्यों होती है? संत बोले, जब व्यक्ति दूसरे को खुद से अलग समझता है तब जलन उत्पन्न होती है। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें कभी अपने पुत्र से जलन हो सकती है? व्यक्ति बोला, नहीं बाबा, मेरा पुत्र अभी छोटा सा बालक है, मैं कैसे उस जल सकता हूँ? संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम उससे इसलिए नहीं जलते कि वह तुम्हारा पुत्र है। असल में बात यह है, तुम उसे खुद से भिन्न नहीं समझते क्योंकि जीवन के प्रति उसके अपने कोई भी विचार नहीं है। लेकिन जैसे ही उसकी आयु बढ़ेगी और तुम्हारा पुत्र जीवन के प्रति अपना एक नजरिया तुम्हारे सामने रखेगा जो कि तुम्हारी बातों से बिल्कुल नहीं मिलता होगा, तो उस दिन तुम्हें अपने पुत्र से भी जलन होने लगेगी। व्यक्ति बोला, बाबा आप ही मुझे बताइए, मैं क्या करूं? क्या मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ सकता है? व्यक्ति बोला, आप मुझे बताइए, प्रकृति को कैसे समझा जाता है? संत बोले, तुम्हें ये समझन होगा कि कोई चाहे कितना भी धनवान हो या प्रतिष्ठित हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जड़ें एक हैं। हम सब ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं और किसी में कोई भी भेद नहीं है। कोई ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, कोई सुंदर नहीं है, कोई असुंदर नहीं है। जैसे ईश्वर एक है, वैसे ही सभी मनुष्य के अंदर सभी गुण भी एक है। तुम्हें बस अपने भीतर उठने वाली जलन को साक्षी होकर देखना होगा, ऐसे कि किसी और को देख रहे हो। जब हम उसका होना देख लेंगे तब वह भीतर से धीरे धीरे गायब होने लगेगी। व्यक्ति बोला, हाँ बाबा आप सत्य कह रहे हो, मेरे जलने का कारण यही है कि मैं लोगों को खुद से अलग समझता हूँ। लेकिन आपके ज्ञान के द्वारा अब मैं समझ रहा हूँ कि किसी से जलना व्यर्थ ही है। ऐसा करके मैं दिन रात खुद को ही कष्ट दे रहा हूँ। मैं खुद को अब साक्षी भाव से देखूंगा, मेरा इतना दूर आना सफल रहा। व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और वह वापस अपने घर की तरफ लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जलन कैसे हमें दुख की आग में तपाती है और यही जलन बढ़कर अपराध में भी बदल जाती है। इसलिए दूसरों को हमेशा खुद की तरह देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपकी जलन की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाएंगी।